और वहाँ पे जो बस है वो पाकिस्तान की है, ऊपर अगर देखेंगे तो पाकिस्तानी फ्लैग है। सामने जो नज़र आ रहा ना, ये कश्मीर इज इक्वल टू पाकिस्तान है। वहाँ पे कुछ लोग खड़े हुए हैं जो हाय हेलो करते हैं। हेलो, जय हिंद दोस्तों, कैसे हो सभी दोस्तों। अभी फिलहाल मैं हूँ जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में, और श्रीनगर के मैं अभी खड़ा हुआ हूँ लाल चौक पे। जैसे कि मेरे पीछे आप लोग देख रहे होंगे, ये श्रीनगर का लाल चौक है, और आज की इस वीडियो में मैं जाने वाला हूँ पीओके। जी हाँ, सही सुना आपने, मैं जाऊँगा आज केरन वैली, जिसका एक हिस्सा जो है वो अपनी इंडिया की तरफ है, और दूसरा हिस्सा जो है वो पीओके की तरफ है, जिसका मतलब है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। तो आज हम वो आप लोगों को दिखाने वाले हैं। यहाँ से लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पे वो पड़ता है पुखवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में। तो सबसे पहले हम यहाँ से चलेंगे पुखवाड़ा, और उसके बाद आज आपको दिखाएंगे केरन वैली। तो किस तरह से वहां पे जाते हैं और क्या उसका प्रोसेसिंग है, आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। चलिए तो अभी हम चलते हैं बस स्टॉप पे, जहां से हम टैक्सी वगैरह लेंगे और उसके बाद आगे चलेंगे। तो फाइनली हम लोग को कुपवाड़ा के लिए टैक्सी मिल गई है, और लाल चौक से थोड़ी सी दूरी पे कुपवाड़ा के लिए टैक्सी मिलती है, तो 270 रुपये यहाँ से भाड़ा है। चलिए बैठते हैं, ये टैक्सी है जिससे हम आज जाएंगे। अभी पहुंच चुका हूं कुपवाड़ा, और कुपवाड़ा के मैं भी खड़ा हूं टैक्सी स्टैंड पे। सबसे पहले हम यहां से जाएंगे पुलिस स्टेशन, जहां पे केरन वैली जाने के लिए हम लोगों को परमिशन लेनी पड़ेगी। जिस तरह का यहां पे टैक्सी स्टैंड है, और पहले हम परमिशन लेने के लिए जाते हैं, बाद में फिर हमें यहीं पे आना है, उसके बाद फिर हम देखेंगे यहां से कि कौन सी टैक्सी वगैरह जाती है केरन वैली के लिए। अभी फिलहाल हम लोग जो पीछे टैक्सी स्टैंड था, वहाँ से हमें बताया कि दूसरे टैक्सी स्टैंड पे आपको जाना पड़ेगा, और वहाँ से आपको जो केरन वैली की है डायरेक्ट टैक्सी वहाँ पे मिलेगी। और कुछ लोग तो कह रहे थे कि जो टैक्सी वाला है वही आपको परमिशन दिलवा देगा, जहाँ से भी मिलेगी। पीछे हम एक जगह गए थे तो वहाँ हमें बताया कि यहाँ से परमिशन नहीं मिलती, आगे एक दूसरा पुलिस स्टेशन है वहाँ से मिलेगी आप लोग को। चलिए यहाँ से टैक्सी ढूंढते हैं। अभी हम वहाँ से आगे की तरफ आ गए हैं, टैक्सी मिलती है उसके बाद टैक्सी में बैठते हैं और पूछते हैं, अगर वो परमिशन दिलाता तो ठीक है, वरना फिर हमको पहले उस थाने पे जाना पड़ेगा जहाँ से परमिशन मिलती है। यहाँ पे हमने टैक्सी वाले से पूछा, तो टैक्सी वाले ने हमें बताया कि यहाँ से आप जाइए कलालपुर, वहाँ पे पुलिस स्टेशन में जाके आप परमिशन बनवाइए, और फिर उसके बाद हमें कॉल कर देना, मैं उधर ही आ रहा हूँ तो आपको रास्ते से वहाँ पे पिकअप कर लूँगा। यानी हमको परमिशन खुद से बनवानी पड़ेगी, जैसे कि हमें बताया गया था ना कि वहाँ पे हो सकता है टैक्सी वाला बनवा दे, लेकिन ऐसा नहीं है। वो कह रहा था अभी यहाँ पे चुनाव का समय है, तो आप स्वयं से जाएं और खुद से बनवाएं, क्योंकि वहाँ पे आप लोगों को कम से कम आधा घंटा लगेगा। चलिए चलते हैं वहाँ, जैसा अपडेट होगा आगे आपको बताते रहेंगे। अभी फिलहाल हम लोग पहुंच चुके हैं करालपुरा, हमें जाना है पुलिस स्टेशन। उससे पहले हमें फोटो स्टेट कराना था अपने आधार कार्ड का, तो यहाँ एक दुकान हमको मिली है, तो यहीं पे फॉर्म वगैरह मिल जाएगा, यहीं से हमारा फोटो स्टेट भी हो जाएगा। भाई ने हमसे पूछा आपको कहाँ जाना है, हमका केरन वैली। तो अभी फॉर्म भरते हैं, फोटो स्टेट कराते हैं, फिर चलते हैं थाने में, और फिर वहाँ से परमिशन लेते हैं। जो यहाँ का है, जो चलता है आपका नंबर यहीं। फाइनली हम लोग को परमिशन मिल गई है। मैं परमिशन लेने के लिए अंदर गया था, तो मुझे ऐसा लगा कि हम सेंसिटिव एरिया में जा रहे हैं, तो पता नहीं कितनी वहाँ पे दिक्कत होगी और किस तरह से ये लोग परमिशन देंगे। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं पूछा, मुझसे पूछा आप कहाँ से आए, मैंने बता दिया यूपी से आया हूँ। कहाँ जा रहे हैं, केरन वैली, क्यों जा रहे हैं, तो बता दिया घूमने के लिए। उसके बाद और कुछ नहीं किया। बाद में उन्होंने यहाँ पर थप्पा लगा दिया, आप लोग यहाँ देख सकते हैं, ये वेरिफिकेशन हो गया है, यानी यहाँ मोहर लग चुकी है, अब हम केरन वैली जा सकते हैं घूमने के लिए। तो आपको यहाँ आना है, और थोड़ी सी देर में आपका यहाँ पे परमिशन मिल जाएगी। और एक वक्त का और ध्यान रखना है, जैसे कि हम वहाँ से आए ना, तो अभी हमको टैक्सी नहीं मिली है, लेकिन वहाँ से हम बात करके आए हैं, जिस टैक्सी में हम बैठ के जाएंगे उस टैक्सी का इसमें नंबर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है डालना। यानी आप अपनी गाड़ी से आ रहे हैं तो उसका भी डालना, या जिस गाड़ी से भी जा रहे हैं उसका नंबर यहाँ पर डलेगा।
हमने उससे गाड़ी वाले से बात कर ली थी, यहाँ हमने नंबर डाल दिया, अभी परमिशन मिल गई है, चलते हैं कैरन वैली। गाड़ी में ड्राइवर ने बड़े ही प्यारे गाने बजा रखे थे। इन गानों को सुनते हुए, इस सफ़र को एंजॉय करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हुए जा रहे थे, और जैसे ही हमने करालपुरा को क्रॉस किया हम लोग पहाड़ में एंटर हो चुके थे, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी, क्योंकि हम आज बहुत ही सेंसिटिव एरिया में जा रहे थे। इस बोर्ड पर जैसे कि लिखा हुआ है, हमें यहाँ पर अपनी एंट्री करानी है, यानी जो पास हमने लिया है वो यहाँ पे हमको जमा कराना होगा, क्योंकि हमने उसकी लगभग 8-9 कॉपी कराई थी, तो हर एक चेक पोस्ट पॉइंट पे हमको वो सबमिट करना होगा। एक अच्छे नज़ारे और अच्छे रोड के बाद अब हमें यहाँ पे थोड़ा सा टूटा हुआ रोड मिला है, जिस पे अभी फ़िलहाल काम चल रहा है। तो ये जो रोड है ये मात्र 10 किलोमीटर का है, और आखिरकार अब हम केरन वैली पहुँचने वाले हैं, यानी केरन वैली यहाँ से मात्र 10 किलोमीटर रह गई है, और वहाँ पे अभी हम पहुँचने वाले हैं। तो फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं केरन वैली। सुबह हम लोग निकले थे 8 बजे और अभी शाम के 4 बज चुके हैं, लगभग हमको 8 घंटे लग गए यहाँ पहुँचने में। तो अभी जो गाड़ी हमारी यहाँ पे खड़ी हुई है, वैसे ये यहाँ तक नहीं लाते हैं, लास्ट पॉइंट इनका पीछे है, वहाँ तक ही लेके आते हैं, लेकिन हमको ये यहाँ तक छोड़ के गए हैं। हाँ, थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे लिए हैं। यहाँ आने के बाद ही ना भाई साहब, जो मैंने देखा है ये देखो, यहाँ पीछे आपको अपना इंडियन फ्लैग है यहाँ पे लगा हुआ है, और पीछे मेरे पीछे अगर आप देखेंगे ना उस साइड में, शायद आपको नहीं दिखेगा, वहाँ पे वो पाकिस्तानी फ्लैग है, और बीच में ये दरिया, तो कुछ इस तरह का नज़ारा। चलिए अभी यहाँ से आगे चलते हैं, होटल वगैरह लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। फाइनली रूम हमने ले लिया है, जहाँ पे अभी हम खड़े थे, जहाँ से हमने वीडियो बनाई थी, तो वहाँ से थोड़ा सा ही आगे आए हैं। यहाँ पीछे लिखा हुआ था फर्स्ट पोस्ट ऑफिस ऑफ इंडिया, हमको लगा ये यहाँ पे पोस्ट ऑफिस है। बाद में यहाँ से एक आंटी जी ने हमको आवाज़ दी कि भैया आपको रूम चाहिए, हम कहा हाँ, तो इसी में हम लोगों ने स्टे कर लिया है। जो अभी आप देख रहे हैं ना, ये है फर्स्ट पोस्ट ऑफ इंडिया, ये है कुछ इस तरह का, और ये है यहाँ का नज़ारा, इसको हम दिखाएँगे आपको बाद में। चलिए एक बार रूम दिखा देता हूँ, रूम कैसा है ये बहुत ही खूबसूरत भाई साहब, गेस्ट हाउस लिखा हुआ है, और सामने से यहाँ से नज़ारा देखेगा वो है पाकिस्तानी फ्लैग इस तरह का, और यहाँ पे ये है हमारा रूम। तो कुछ इस तरह का रूम का नज़ारा है, और रूम के सामने ही यहाँ पे एक विंडो है जिससे सामने का नज़ारा दिखता है, बहुत ही खूबसूरत। यहाँ से वो सामने पाकिस्तानी फ्लैग, यानी वो पाकिस्तान का हिस्सा है। अब हम लोग थोड़ा सा हाथ मुंह धुलते हैं, क्योंकि सुबह से निकले हैं भाई साहब, सुबह 8 बजे से हम लोग निकले हैं और अभी 4 बज चुके हैं, तो यानी 8 घंटा हमको यहाँ पहुँचने में लगे हैं। रास्ता तो ठीक ठाक था, हालांकि थोड़ा सा 10 किलोमीटर पे रास्ता हमको थोड़ा सा ख़राब मिला है, बाद बाकी रास्ता बहुत अच्छा है। चेकिंग वगैरह कई जगहों पे हुई, लगभग 7-8 जगहों पे, तो इस वजह से भी टाइम लग गया। चलिए थोड़ा सा फ्रेश वगैरह होते हैं, फिर मिलते हैं आपको शाम को। शाम के समय पे हम यहाँ थोड़ा घूमने के लिए निकले हैं, यहाँ के जो नज़ारे हैं काफ़ी खूबसूरत हैं। तो अगर आप यहाँ पे होटल में नहीं ठहरना चाहते तो उसके लिए यहाँ पे टेंट वगैरह भी हैं, आप लोग टेंट में भी स्टे कर सकते हैं। अभी हम लोग जिसमें रुके हुए हैं वो यहाँ पे होटल है, क्योंकि यहाँ टूरिस्ट वगैरह कम है, तो उसकी वजह से हमने यहाँ पे होटल लिया हुआ है। सामने का जो हिस्सा है वो पाकिस्तान की तरफ है, यानी POK जिसको बोलते हैं, और जो नदी है वो बहुत ही खूबसूरत, उसके नज़ारे हैं। और ये आप यहाँ पर देखेंगे ना, ये जो पेड़ आप लोग देख रहे हैं ये अखरोट के पेड़ हैं, और इन पर अभी अखरोट आए हुए भी हैं। ये जो है चारों तरफ यहाँ पे अखरोट के पेड़ हैं, जो आप लोगों को कश्मीर के अंदर बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे, यानी कश्मीर के अंदर आप लोगों को अखरोट बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। और मेरे सामने देखिए, मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ, थोड़ा सा मैं नदी के पास चलता हूँ, जो नदी है उसके पास चलता हूँ और वहाँ से दिखाता हूँ। ये है कुछ यहाँ का नज़ारा, ये देखिए बहुत ही खूबसूरत, यहाँ से कलकल धारा बह रही है नदी की, और सामने उस तरफ पाकिस्तान है, मैं अभी इंडिया की तरफ खड़ा हुआ हूँ,
और जिस तरह से हम यहाँ पे आते हैं घूमने के लिए, उसी तरह से यहाँ पे पाकिस्तान से भी लोग आते हैं घूमने के लिए। उस तरफ भी देखेंगे तो होटल वगैरह बने हुए हैं। अभी शाम के टाइम वहाँ पे बहुत सारे लोग थे, लेकिन अभी कम हो गए, क्योंकि अपनी तरफ भी घूमने वाले लोग हैं वो जा चुके हैं, जिनको यहाँ पे स्टे करना है वही लोग यहाँ रह गए हैं। तो काफ़ी खूबसूरत यहाँ का नज़ारा है। सामने लिखा हुआ है, अगर थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा जूम करके दिखाइए, सामने अगर आप देखेंगे तो लिखा हुआ है कश्मीर इज इक्वल टू पाकिस्तान। तो ये वो हिस्सा है जो अभी पाकिस्तान के कब्जे में है, जिसको POK बोलते हैं, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, जो अभी पाकिस्तान के पास में है।